हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर थर्ड पेज नंबर 25। जो पिकनिक जा रहे थे ना, वो आज हम आगे देखेंगे। कम ऑन नाउ, गेट इट फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। अब टीचर क्या बोल रहे हैं बच्चों को कि फटाफट करो, 9 बज गए हैं। तब जर्नी बिगन्स। एज द बस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ द वॉइस, द लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल? इंदिरा क्या बोल रही है? सारे बच्चे बस में बैठ गए और जोर जोर से सॉन्ग गा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और जो बाहर जो ग्रीनरी है उसे भी एंजॉय कर रहे हैं। इंदिरा पूछ रही है, व्हेन विल द रीच भोपाल, हम भोपाल कब पहुँचेंगे? मिस आशा सेज, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर We should reach there in 2 hours. That is around 10 o'clock. कितने बजे निकले थे बच्चों? 9 बजे निकले थे। 9 o'clock निकले थे, 9 o'clock निकले थे। और कितनी देर लगेगी हमें पहुँचने में? 2 hours, अगर कहीं स्टॉप नहीं करते हैं तो। 9 + 2 = 11, यानी कितने 11 o'clock हम पहुँच जाएंगे, अगर जो कहीं बच्चे ने खड़ी नहीं रखाई बस तो। मंजीत, इट इज़ वेरी फार। मिस्टर भीमसेन, इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? मिस्टर राकेश, मे बी द भीम बटेका अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सर बोल रहे हैं कि अराउंड 50 किलोमीटर्स के आसपास हम खड़े रह सकते हैं। इफ़ दे गो भीम बटेका दे विल रीच देयर, हम कितने बजे पहुंचने वाले थे? 10 o'clock। अब भीमबेटका यहाँ से कितना दूर है? 50 किलोमीटर, यानी कितने बजे पहुंचेंगे हम? बिफोर 10 o'clock, यानी पहले, बिटवीन 10 to 11, की आफ्टर 11 o'clock। तो भीमबेटका हम कितने बजे पहुंचेंगे? बिटवीन 10 to 11। कैसे? देखो, 9 बजे निकले हैं, अगर हम कहीं भी खड़े नहीं रहते तो भी कितने बजे पहुँच जाएंगे? 11 o'clock। और भीमबेटका कितना दूर है? टोटल 50 किलोमीटर्स है, यानी 70 के पास है, यानी 10 to 11 के बीच में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। एज दे आर टॉकिंग, बहादुर शाउट्स, है लुक एट द नर्मदा, एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडोज। रूबी, वाओ, इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज। अब सब क्या देख रहे हैं? नर्मदा देख रहे हैं, रिवर है, उसके ऊपर क्या है? पुल है, पुल से वो पास हो रहे हैं। और नीचे क्या बोल रहे हैं? वाओ, कितना लंबा ब्रिज है, कितनी लंबी नदी है, चलो गैस करते हैं। गोपी, 100 meters? नो, इट इज़ मच मोर, कांट से, ये बता नहीं सकते उतनी लंबी है। विक्टोरिया, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, ये आधे किलोमीटर से ज़्यादा लग रही है। अब मिस आशा क्या बोल रही हैं? लुक एट इट रिटर्न, यहाँ पे क्या लिखा है? द ब्रिज इज 756.82 meters, कितना लंबा है ब्रिज? 756.82 meters लॉन्ग। सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 meters वाइड एट दिस प्लेस। देखो, द ब्रिज इज 756.82 meters long and the bus is about 5 meters long. Imagine how many buses can stand in a line on the bridge. अब ये ब्रज, ये हाँ सदाफ है, वो क्या बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम कितनी बसेस को मैं इमेजिन करूँ तो इतना होगा? तो चलो डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय कितना मीटर्स हैं? 5 meters, यानी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो चलो करते हैं, 5 divided by 756.82, यानी फर्स्ट क्या लेंगे? 5 1 5, 7 - 5 2, फिर आया 5 5 5 25, यानी 25 - 25 0 0। अब ऊपर से लिया हमने 6, यानी 5 1 5, 6 - 5 1। अब यहाँ पे क्या है?
पॉइंट, अगर हम यहाँ से पॉइंट लेंगे तो ऊपर क्या लेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब ऊपर कहाँ क्या उतारेंगे, 8, 5 3 15, 18 माइनस 15, 50 के बाद 16, 70 और 18, यानी कितना आया 3। अब 3 से नहीं चलेगा तो ऊपर क्या, फिर से क्या लेंगे, 2, ठीक है। ये देखो हमें कितनी बस फाइंड करनी थी, ठीक है, कितनी बस फाइंड करनी थी, बस अप्रोक्स कितनी होती है, पॉइंट के बाद 3 आया, यानी हमें टोटल कितनी बसेस होंगी, तो ये 5 मीटर्स हो जाएगा, यानी 5 151, ठीक है। अब यहाँ पे हम छोड़ देंगे, कितनी बसेस, 151, पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 3 के जगह 5 आता तो हम कितनी बसेस कर लेंगे, 152, पर पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है 3, मतलब हम कितनी बसेस गैस करेंगे, 151। ब्रिज कितना लंबा है, 151 बसेस जितना लंबा है। एवरीवन लुक, फिर हाउ यू एवर क्रॉस द लॉन्ग ब्रिज, क्या तुम लोगों ने इससे ज़्यादा लॉन्ग ब्रिज पार किया हुआ है, यस आई हैव क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज, इट वॉज अबाउट 500 मीटर्स लॉन्ग। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, मिस्टर राकेश द वॉटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। अभी क्या वाटर लेवल डाउन हो गया है, कितना है 40 मीटर्स। पर मिस आशा बोल रही हैं अगर रेनी सीजन होती है तो ब्रिज कितना होता है लो, 15 मीटर्स। अभी रेन, वो क्या समर होता है ना, तो इसलिए अभी कितना हो गया है 40 होगा। अगर रेनी सीजन में हम आते तो वो ब्रिज से कितना लो होता, तो 15 मीटर्स लो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ, अभी कितनी है 40 मीटर्स, और अगर रेनी सीजन में कितनी होती है 15, यानी 40 माइनस 50, कितना आंसर आएगा, 40 माइनस 50, 25 मीटर्स, यानी अभी रेनी सीजन नहीं है तो 25 मीटर्स और डीप चला गया है, ठीक है। सडनली द बस स्टॉप विथ अ जैक और द पेट्रोल पंप, टू बसेस नीड टू बी रिफिल, कितनी बसेस को रिफिल करना है, 2 बसेस, द बसेस स्टैंड इन द लाइन, चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज अ फिल इन द बसेस, सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली। अब क्या कर रहे हैं बच्चे, बाहर 2 बसेस को रिफिल करनी है हमें पेट्रोल भरवा के, और बच्चे क्या कर रहे हैं विंडो से अपनी नेक बाहर निकाल निकाल के देख रहे हैं, और कोच बच्चे तो बहुत सारे एक्साइटेड हो गए, वो सब एकदम नीचे आ गए हैं पास से देखने के लिए। देखो दिख रहा है ना बस में नेक निकाली हुई, और कुछ बच्चे तो यहाँ तक आ गए हैं, पेट्रोल पंप तक आ गए हैं। ईच बस टेक 50 मिनट्स टू रिफिल एंड देर आर 2 बसेस टू बी रिफिल, सो दे स्टॉप देर फॉर अबाउट, अब एक बस को रिफिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 50 मिनट्स, हमें कितनी टोटल बसेस रिफिल करनी है, 2, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 2 30, यानी हमें कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स अब टोटल लगेंगी, विच मीन्स देर आर लेट बाय अबाउट, हम कितनी मिनट्स लेट हो जाएंगे, तो 30 मिनट्स लेट हो जाएंगे, क्योंकि 2 बसेस फिल कर लेंगे तो कितनी, 1 बसेस को 15 मिनट लग रहे हैं, यानी 2 बसेस को हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 15 2 30 मिनट्स लग रही हैं, मतलब हम कितना लेट पहुंचेंगे, तो 30 मिनट्स लेट पहुंचेंगे, ठीक है। बस दिख रही है, यहाँ देखो बड़ी टांकी है जहाँ पे 100 लीटर भरा हुआ है यहाँ पे, सो वी हैव टू पे 5500 रुपीज़ फॉर द डीजल, हमें यहाँ पे देखो दिख रहा है 100 लीटर, देखो यहाँ पे लीटर लिखा हुआ है, कितने लीटर फिल किया, 100, और रुपीज़ कितने दिए, 5500। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर डीजल, हमें कितने का फाइंड करना है, 1 लीटर का, देखो पिक्चर में दिख रहा है टोटल रुपीज़ कितने दिए, 5500, कितने लीटर्स का है, 100 लीटर्स का है, पर हमें कितना फाइंड करना है, 1 लीटर, तो क्या करेंगे बच्चों,
5,500 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल कितने लीटर भरा है हमने, 100। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5,500 डिवाइडेड बाय 100, 0,0 कट हो जाएंगे, यानी एक लीटर की प्राइस क्या आएगी, 55 रुपीज। कितना आएगा, 55 रुपीज। एज द बसेज आर बिगन रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। अब जो पेट्रोल पंप होता है टॉयलेट, वहां पे बस सारे बच्चे कहाँ गए, वॉशरूम गए हैं। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। देखो यहाँ पे अमन है, अमन हैज टेक एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल। कितना टाइम लग रहा है अमन को, तो वन बस इज रिफिल करने जितना, तो वन बस इसको रिफिल करने का टाइम क्या था, वन बस इसको रिफिल करने में कितनी मिनट्स लग रही हैं, 15। यानी अमन को भी वॉशरूम से कितनी मिनट्स लग रही हैं, 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपको आपकी बुक में करना है, और जो ये डिवाइड करवाया था वो आपको नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।